की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के यूपी दौरे का दूसरा दिन, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो आपको बता दें, जखनिया, मुंगरा, बाघ, शाहपुर और जफराबाद जाएंगे सीएम। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो दूसरी बार योगी की सरकार बनाने की अपील करते हुए वो नजर आएंगे। तो आज यूपी के रण में दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी जनसभाएं करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए वो नजर आएंगे और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनाने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। कल भी हमने देखा उन्होंने जनसभाएं की और वोट की अपील करते हुए वो नजर आए, वही विपक्षियों पर करारा प्रहार भी वो करते हुए नजर आए। आज भी उनकी जनसभाएं होने वाली हैं, जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। जखनिया, मुंगरा, बाघ, शाहपुर और जाफराबाद जाएंगे सीएम, वहां पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हैं और आज भी चुनाव प्रचार वो करेंगे। दूसरा दिन है आज उनका उत्तर प्रदेश में और तमाम बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वहां से जनसभाएं वो करते हुए उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, यूपी के रण में आज दूसरा दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का, कहां कहां वो जनसभाएं करेंगे? कल भी हमने देखा जब जनसभाएं की कड़े प्रहार करते हुए नजर आए विपक्षियों पर, आज कहां कहां जनसभाएं करने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस पर प्रदेश का दिन का दौरा है और आज दिन का दौरा तीन विधानसभाओं में जो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और तीन अलग अलग प्रकार से जो जनप्रतिनिधि है उनके समर्थन में वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। एक खास बात यह है कि पौधारोपण के बाद वे उनका वाराणसी, इसीलिए वो पौधारोपण के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो वहां पर जखनिया, मुंगराबाद, शाहपुर और जाफराबाद विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन दोपहर 12 बजे जो गाजीपुर पहुंचेंगे, गाजीपुर के जखनिया में वो रहेंगे, जाके प्रत्याशी जो रामराज वनवासी है उनके समर्थन में वो अपनी सभा को संबोधित करेंगे, वोट मांगेंगे। दूसरी बात, उसके बाद 2 बजे के आसपास जोधपुर के कुंगारा बादशाहपुर विधानसभा प्रत्याशी अजय दुबे वो समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। दोपहर तक 3:30 बजे जोधपुर के जाफराबाद विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम लगातार देख रहे हैं, वो इस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रशासन में करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनको इस बात का आकलन किया है कि किस स्तर पर चीजें होती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री आज किस प्रकार से दहाड़ते हैं और दहाड़ने के साथ साथ जनता किस प्रकार की बातों से सहमत नजर आती है। बिल्कुल, छठवें चरण के पहले का ये चुनाव प्रचार है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए। दूसरा दिन है आज और वहां पर भी तमाम बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वहां पर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 विधानसभा सीटों पर वो जाएंगे, जखनिया, मुंगरा, बाघ, शाहपुर और जाफराबाद वो जाएंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।